नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज की जो कहानी है वो डॉक्टर बायनविज जी की किताब से ली गई है और ये जो कहानी है वो एक साइकिक की है जिनका नाम है जेम्स वैन प्राग। मैं हाल ही में उनकी आपको कहानियाँ सुना रहा हूँ तो आपको भी इनके बारे में थोड़ा बहुत पता होगा। तो ये एक साइकिक है। साइकिक मतलब ऐसे लोग जो आत्माओं से वगैरह संपर्क करते हैं और ये किस तरह से लोगों की मदद करते हैं। तो जो लोग गुजर गए वगैरह होते हैं उनके परिवार वाले इनके पास वगैरह इनसे कॉन्टैक्ट करते हैं और उसके बाद ये उनके जो संदेश है उनके प्रियजनों के वो उन लोगों को देते हैं, उनके परिवार वालों को, क्योंकि उनको बहुत सारी राहत मिलती है। और आज के इस वीडियो में हम ऐसी एक कहानी देखने वाले हैं। ये एक 17 साल की उम्र की एक लड़की थी जिसको एक बीमारी हुई थी और वो इस दुनिया से बेचारी चली गई। बहुत ही कम उम्र में वो इस दुनिया से चली गई थी और उसके माता पिता उनके पास आए थे। जब वो माता पिता आए तब जेम्स वैन जी ने उनको बहुत सारी बातें बताई। उन्होंने ये कहा कि तो आपकी जो बेटी है बहुत ही सुंदर लोक में है, उसके लिए आपको ज़रा भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और आपकी जो बेटी है वो आपसे ये कह रही है कि वो वहाँ से आपको बहुत सारा प्यार भेज रही है और आपकी बेटी जो है वो आपसे ये कह रही है कि वो हमेशा वहाँ पर खुश है और उसके साथ बहुत सारी ऐसे अपने लोग हैं जिनके साथ वो वहाँ पर खुश रह रही है। इस वजह से उसने ये कहा कि आपको ज़्यादा मेरी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बाद में उस बेटी ने उनसे ये कहा कि आपने जो भी मेरी महत्वपूर्ण चीज़ें रखी है संभाल कर, उसके लिए वो आपकी बहुत ही शुक्रगुजार है। ये जो कहानी है इस कहानी में डॉक्टर बायनविज ने जो पीछे का चीज़ें कही है, जो बैकग्राउंड की चीज़ें, वो ये है कि ये जो लड़की थी वो उसको एक बीमारी हुई थी और वो इस दुनिया से चली गई थी। किसी कारणवश उसको दफनाया नहीं गया था, उसको दहन किया गया था जैसे हिंदुओं में करते हैं। और उसके दहन करने के बाद जो राख होती है उसका थोड़ा सा हिस्सा लेकर उसका जो कमरा था, मतलब जो घर में उसका जो कमरा था उसमें वो थोड़ी सी राख और उसके जो राख वगैरह थी वो और उसके जो भी पसंदीदा खिलौने थे वो एक साथ वहाँ पर एक संच करके रखे थे उन्होंने। और उसका जो कमरा था वो रेगुलर, मतलब जैसे कोई वहाँ पर रहता है वैसे इसके माता पिता रखते थे, मतलब हमेशा साफ़ सुथरा रखते थे। या फिर उसको जो भी चीज़ें पसंद थी, जो भी उसको बेड पसंद था, बेड पे बेडशीट जो पसंद थी या फिर उसको चद्दर जो पसंद थी, वो सारी चीज़ें वहाँ पर रखते थे और बहुत ही सुंदर तरीके से उन्होंने वो सजाया भी था। तो इन सारी चीज़ों को लेकर उनकी बेटी भी बहुत सा उनसे प्यार, मतलब उनको बहुत ही उसको भी बहुत अच्छा लगता था इन सारी चीज़ों से कि मेरी माता पिता इस तरह से कर रहे। तो ये जो कहानी है वो हमें ये सिखाती है कि देखिए, हम कभी कभी हमें लगता है कि कोई हमारी दुनिया में ऐसे चला गया तो हमेशा के लिए ही चला गया। मुझे पता है कि उनके जो बहुत लोग यही कहते हैं कि अगर वो हमारे साथ है तो हम सब कम से कम सपने में भी तो दिखना चाहिए। देखिए, ये सारी जो चीज़ें होती है मुझे लगता है कि जो हमारे अपने हैं उनकी कुछ मजबूरियाँ होंगी जिस वजह से वो सपने में नहीं आते, ऐसा मुझे लगता है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मैं आजकल देखता हूँ कि जो उनके करीबी थे वो उनका बहुत ही ज़्यादा प्यार था इन पर, लेकिन फिर भी वो आज अगर सपने में नहीं आते या फिर कोई संदेश अगर उनसे हमें नहीं मिलते तो उनकी कुछ मजबूरियाँ होगी। उस मजबूरियाँ को हम समझना होगा हमें। हाल ही में एक ऑटोमेटिक राइटर थे और एक मैडम जी ने मुझे खुद फ़ोन किया और उन्होंने मुझे खुद ये बातें बताई, तो वो मैं बातें आपको थोड़ा सा शेयर करता हूँ इस कहानी को लेकर। देखिए, उन्होंने मुझे ये कहा कि कभी कभी हम जो सोचते हैं, हमें लगता है कि कोई बड़ी चीज़ हमें करनी होगी जिस वजह से ये सारी चीज़ें हमारे साथ घटित होगी। तो मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि आपको ज़रा भी ज़्यादा कुछ बड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। उन मैडम जी ने मुझे ये कहा कि उनको कुछ ऐसे लोगों के साथ उनकी मुलाकात हुई जो इस क्षेत्र में बहुत बड़े है, तो उन्होंने भी डायरेक्टली मुझे कहा कि ध्यान और प्रार्थना में बहुत ज़्यादा शक्ति है। मैं हाल ही में मुझे बहुत लोग कॉन्टैक्ट करते हैं, मैं उनको यही बताता हूँ, लेकिन बहुत लोग यही कहते हैं। तो कुछ लोग तो मुझे, एक ने तो कहा कि वो 2 घंटे ध्यान करते हैं, तो मैं थोड़ा सा, मतलब मुझे ही कुछ अलग लगा कि आज की दुनिया में, मतलब ये 2 घंटे ध्यान करते हैं और फिर भी ऐसे अगर हम सवाल पूछते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर ध्यान हम करेंगे और उसमें उसके बाद अगर हम प्रार्थना बोलेंगे तो कहीं ना कहीं बदलाव आने ही चाहिए, और अगर बदलाव नहीं आते तो शायद हमारा ध्यान नहीं हो रहा। मैं आपको खुद के अनुभव से कहता हूँ कि तकरीबन मैंने 1 साल तक पूरा ध्यान पर बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट किया था, और मैं सच कहता हूँ, मैं खामखा बड़ी चीज़ नहीं बोलूँगा, मैं सिर्फ 10 मिनट ध्यान करता था। आजकल मैं थोड़ा सा 10-20 मिनट थोड़ा सा ही ज़्यादा करता हूँ, 5 मिनट, बाकी ध्यान तो मैं ज़्यादा इतना नहीं करता दिन में, लेकिन फिर भी उसका प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ता है क्योंकि मैं पूरा कॉन्सेंट्रेट होने की कोशिश करता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ ऐसा बोल रहा हूँ, मैं पूरी तरह से कॉन्सेंट्रेट होता हूँ मुझे नहीं पता, लेकिन मैं पूरी तरह से विचार शून्य होने की कोशिश करता हूँ क्योंकि ध्यान इसी को कहा जाता है। तो दोस्तों, मैं आपको सच कहता हूँ कि आप अपनी ज़िंदगी में अगर आपको कुछ ऐसे संदेश चाहिए वगैरह तो आप ज़रूर ध्यान करें और उसके बाद प्रार्थना बोले। अगर किसी को प्रार्थना चाहिए तो आप
ज़िंदगी की रोशनी में एक तो संपर्क करें जो भी नंबर आखिरी में आता है उसमें, या फिर आप खुद से अगर प्रार्थना लिखेंगे, या फिर खुर्शीद भावनगरी जी ने जो प्रार्थनाएँ कही है वो भी अगर आप बोलेंगे तो चलेगा। लेकिन अगर आप मुझे अपनी प्रॉब्लम्स बोलते हो और उस पर मैं आपको एक प्रार्थना लिखने की कोशिश कर सकता हूँ, तो अगर आप वो प्रार्थना बोलेंगे तो मैं आपको श्योर कहता हूँ कि वो जो प्रार्थना है वो हमारे परमेश्वर तक और हमारे जो करीबी आत्माएँ हैं उन तक ज़रूर पहुँचेगी और वो हमें कुछ ना कुछ रिप्लाई उसका देंगे। क्योंकि हाल ही में मैं एक मैडम जी को उनको मैं प्रार्थना लिख कर दी थी और तकरीबन 3 दिनों के बाद मुझे उन्होंने मैसेज किया था कि उनको एक सपना है और सपने में उनको थोड़े बहुत, मैं सब नहीं कह, उन्होंने कहा कि सब नहीं लेकिन एक थोड़े बहुत तो सवालों के उनको जवाब मिले और मुझे वो कह रही थी कि कहीं ना कि उसको इसका रिजल्ट मिला। तो दोस्तों मैं आपको सच कहता हूँ कि प्रार्थना और ध्यान में इतनी ताकत है, खुद ब्रायन विज जी ने कहा है, खुद जेम्स वैन जी ने कहा है और भी बहुत लोग ध्यान और प्रार्थना के बारे में बहुत ज़्यादा कहते हैं। खुद स्वामी विवेकानंद जी ने भी ध्यान पर बहुत सारी चीज़ें कही है, राजयोग इस किताब में उन्होंने बहुत सारी बातें कही है। तो दोस्तों मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि कभी कभी कुछ बड़ा मार्ग अगर हमें चाहिए तो हमें कुछ बाहर जाकर करने की ज़रूरत नहीं है, हमारे जो मार्ग है वो हमारे अंदर ही है और हमें उसको सिर्फ ढूंढना होगा। जिस तरह से जस्ट बड़े बड़े जो चीज लोग होते हैं ना वो अपने अंदर इन उस शख्स को ढूंढते हैं जो एक बड़ा कुछ कारनामा करता है, बाद में वो पृथ्वी पर कितना भी बड़ा हो जाए उसको कभी कभी मतलब वो इतना बड़ा हो जाएगा कि पृथ्वी के लोग उसको मतलब पूजा करेगी उसकी, लेकिन वो अपने आप में ही सुखी रहेगा। तो वैसा मैं चाहता हूँ कि ध्यान और प्रार्थना अगर हम करेंगे, बाकी का जाने दो, बाकी कुछ हम नहीं कर सकते, समझो पास्ट लाइफ रिग्रेशन या फिर कोई बड़ी बड़ी चीज़ है, लेकिन एक ध्यान सिर्फ एक 10 से 15 मिनट भी आप हम करेंगे ना तो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ सकता है। और प्रार्थना अगर हम दिल से बोलेंगे तो फ़र्क पड़ सकता है। तो इस वजह से मैं आपको यही कहूँगा कि आप अगर आपको कोई प्रार्थना लिख कर चाहिए तो आप ज़रूर ज़िंदगी की रोशनी में संपर्क करें। अगर आपको किताबें चाहिए या फिर पास्ट लाइफ रिग्रेशन की मैंने ऑडियो भी बनाने की कोशिश की है ताकि हम घर बैठे ये सारी चीज़ें प्राप्त कर सकें, क्योंकि मुझे भी पता है कि सारी चीज़ें हमें अफोर्ड नहीं होती या फिर हम कुछ नहीं कर सकते, तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ। तो दोस्तों आज की इस कहानी को लेकर अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप ज़रूर पूछें, मैं उसका ज़रूर आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा। हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ज़िंदगी की रोशनी ये संस्था ऐसे लोगों के लिए काम करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था से जुड़ते हैं उनको तकरीबन 50 किताबें भेजी जाएगी उनके व्हाट्सएप पर या फिर ईमेल पर। ये किताबें आत्मलोक या फिर मौत के बाद हमारे साथ क्या होता है इन सारी चीज़ों की आपको पूरी तरह से जानकारी देगी, और इसके साथ साथ आपको एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी की ऑडियो भी भेजी जाएगी। इस ऑडियो की मदद से आप घर बैठे अपने पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने की कोशिश कर सकते हो। बहुत लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट के पास किसी कारण के वश नहीं जा सकते, तो ऐसे लोगों के लिए मदद के लिए ये ऑडियो तैयार की गई है। तो आप ज़रूर इस संस्था से जुड़े, इस संस्था से जुड़ने के लिए सामने जो व्हाट्सएप का नंबर दिया है आप कृपया उस पर संपर्क करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।